एडवांस में आने के बाद बाप के जब विरोधी बनते हैं तो भगवान किसको मानते हैं? है? और धर्मगुरुओं को मानते हैं? जो एडवांस में आने के बाद सप्ताह कोर्स करने के बाद भट्टी करने के बाद विरोधी बन गए, उन्होंने औरों को गुरु मान लिया? पहले पहले जो विरोधी बने उन्होंने किसको माना? जीदादी को माना। जितनी विश्व पार्टियां निकली हैं एडवांस में आने के बाद, ढेर के ढेर विष्णु भगवान बन के बैठे, उन्होंने दीदी दादी को विष्णु माना? है? किसको माना? है? औरों को माना, खुद नहीं विष्णु बन के बैठ गए? है? बोलो। अरे खुद बन के बैठे कि नहीं? हाँ जी। तो भगवान सर्वव्यापी होना शुरू हो गया कि नहीं? जरूर पहले पहले कोई एक निकला होगा, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला। ऐसे होते होते माया की जब फाइनल परीक्षा होगी तो घर घर में भगवान बन के बैठ जाएंगे। और स्वदेशी और सुधर्मी तब बताया है जब बाप को पहचानती है, तब। जब तक बाप को नहीं पहचाना है, द्वापर कलयुग में बाप को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। जब बाप को पहचाना ही नहीं तो क्या होगा? दो ही बातें हो सकती हैं, या तो शिवो हम, या तो विधर्मियों का चक्कर। इसलिए मुरली में बोला है, भारत इस समय पूरा नास्तिक है, कोई के ऊपर आस्था नहीं कि कोई ऐसी साकार शख्सियत है जिसके ऊपर आस्था है। कोई है? नहीं है। तो साकार उपासी हुआ या निराकार उपासी हुआ? निराकार उपासी हो गया। स्वधर्मी हुआ या विधर्मी हुआ? क्या कहें? विधर्मी हुआ। जब बाप के स्वरूप को पहचान ले, पक्का निश्चय हो जाए कि ये बाप का स्वरूप है, ये मुकर्रर रथ है, तो निश्चय बुद्धि बनेगा या अनिश्चय बुद्धि बनेगा? है? निश्चय बुद्धि बनेगा। और जो निश्चय बुद्धि बनेगा तो विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जहां भगवान बाप है वहां हार हो ही नहीं सकती। इसलिए शास्त्रों में भी गायन है कि दुनिया में एक ही शख्स ऐसा हुआ है, एक ही व्यक्तित्व ऐसा हुआ है जिसकी कभी भी हार नहीं हुई, वो है नारायण। उसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस।
विल पावर, वो विल पावर भगवान ही आकर के भरते हैं। और भावना के आधार पर किसके ऊपर भावना? अरे भावना भी किसके ऊपर? बाप को पहचानने के लिए, बाप को पहचानने के लिए उतना ज्ञान भी तो चाहिए बुद्धि में। हो जाएगा जब आत्मा बीज पावरफुल बन जाएगा तो पौधा पावरफुल नहीं बनेगा। सोना शुद्ध बन जाएगा तो जेवर शुद्ध नहीं बनेगा, है? बनेगा। तो अभी बिंदु बाप जो इस सृष्टि पर साकार रूप में आया हुआ है, अगर बाप समान पुरुषार्थ करेंगे तो जन्म जन्मांतर बाप के नजदीक रहेंगे या दूर का पाठ बजाने वाले होंगे? है? समान बनेंगे ना, समान पुरुषार्थी तो समान प्राप्ति। बल बोला है शरीर सड़ते जावेंगे, आत्मा पावरफुल होती जावेगी। ये वंडरफुल बातें हैं। संगम युग है असंभव को संभव करने का युग। और शास्त्र में ये तो है कि दुनिया सतयुग से कलयुग की ओर जाती है। सारी दुनिया सतो प्रधानता से कहाँ जाती है? तमो प्रधानता की ओर जाती है। तो जब सारी दुनिया सतो प्रधानता से तमो प्रधानता की ओर जाती है और शास्त्रों में मिसाल दिया हुआ है ये दुनिया एक वृक्ष है, तो वृक्ष में पहले पहले कौन है? अरे पहले तना है, जड़ है, पत्ते हैं, फूल है, क्या है? बीज। तो पहले सतो प्रधान कौन बनेगा? बीज सतो प्रधान बनेगा, जो आदि में तो अंत में। अंत कब होता है? जब आती होती है तो अंत होता है। तो सृष्टि का जब ऐसा अंत काल हो कि सच रूपी रंगमंच पर जो भी आत्मा उतरनी है लास्ट, वो उतर आए, और जो भी नई आत्मा उतरती है वो अपना करिश्मा दिखाती है। दिखाती है या नहीं? दिखाती है। करिश्मा दिखाने के बाद तमो प्रधान बनती है। तो लास्ट में उतरने वाली आत्मा ज्यादा तमो प्रधान बनेगी या जो आदि में उतरे थे बीज वो ज्यादा तमो प्रधान बनेगा? आदि वाला ज्यादा तमो प्रधान बनेगा, क्योंकि अति में पहुंच गया। उससे जास्ती अति में पहुंचने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए जो आदि में राम था वो अंत में रावण बनता है, निमित्त बन जाता है सारी दुनिया का संहार करने के लिए। शास्त्र वालों को तो समझाना है कि इतने शास्त्र पढ़ते रहे, इतने शास्त्र सुनते रहे,
विकारी बनते गए या निर्विकारी बने? विकारी बने। इसका मतलब है कि शास्त्रों के राज को नहीं जाना, इसलिए दुनिया गड्ढे में जा रही है। ये मेंढकों की टर टर हो गई, सब शास्त्रों का राज ब्रह्मा के हाथ में दिखाया जाता है। ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाते हैं? शास्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा भी एक नहीं है, ब्रह्मा को चार मुख पांच मुख शास्त्रों में दिखाए गए हैं, लेकिन वो शास्त्रकार इसका अर्थ नहीं जानते हैं। उसमें कोई एक मुख मुख्य है, उसको कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। वो शास्त्रों का सार समझाता है, निमित्त बनता है, मुकरर रथ बनता है, उसके द्वारा ज्ञान का बीज आरोपण होता है। यज्ञ के आदि में भी ज्ञान का बीज आरोपण हुआ था, अभी वो ज्ञान विस्तार को पाता जाता है। जब अंत होगा तो ज्ञान फिर सार रूप में समा जाएगा। जैसे वृक्ष पहले बीज होता है, बीज से विस्तार पाकर वृक्ष बनता है, जब पूरा वृक्ष हो जाता है तो फल में जो बीज होता है वो बीज सारे वृक्ष से डिटैच हो जाता है, बजता है, माने डिटैच हो गया, आवाज करता है। वो पहला पहला बीज अभी पकने वाला है, सारी दुनिया में आवाज हो जाएगी, वो आवाज ही सारी दुनिया को सुनाई पड़ेगी, और कोई भी धर्म गुरु की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। वो नगाड़े की आवाज है, सब वाद्य यंत्र फीके पड़ जाएंगे। और समझ में आया, राम ही रावण बनता है, जो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता तो पहला क्षत्रिय तो पहला वैश्य तो पहला शूद्र, वही शूद्र तो पहला ब्राह्मण बनता है। तो सबसे तमो प्रधान शूद्र या ब्राह्मण? शूद्र, उसको कहेंगे क्षुद्र। क्षुद्र माने नीच से नीच। तो सबसे नीच से नीच कौन हुआ? जो पहले नंबर में था वही झाड़ के लास्ट में खड़ा है। तीनों मूर्तियों से अलग अलग वर्षा मिलता है। हाँ मिलता है, भूत से भूत का वर्षा मिलेगा, देवता से देवता का वर्षा मिलेगा, भगवान से। गीता में भी यही लिखा हुआ है, गीता में लिखा है तीन प्रकार के विशेष रूप में वर्षे हैं। जो भगवान को पहचानते हैं, मानते हैं, भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, उपासना करते हैं, उपासना माने उप माने नजदीक, आसन माने बैठना, जो भगवान का संग करते हैं वो भगवान से प्राप्ति करते हैं, भगवान का वर्षा लेते हैं। गीता में लिखा है जो देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, अष्टदेव हैं बड़े से बड़े। तीसरा नंबर थर्ड क्लास वो है
जो न भगवान को पहचानते हैं, न उसकी उपासना करते हैं, न देवताओं की महानता को पहचानते हैं, न उनकी उपासना करते हैं। किसको पहचानते हैं? भूत को पहचानते हैं। आज दुनिया का बड़े से बड़ा भूत, बड़े से बड़ा भूत जिसे कहते हैं भूतनाथ, वो कौन सी आत्मा पार्ट बजाती है? हाँ, ब्रह्मा। उनको अपना साकार शरीर नहीं है, उसको जो फॉलो करते हैं वो किससे प्राप्ति करेंगे? है? भूत से ही प्राप्ति करेंगे, भूत प्रेत बनते रहेंगे। उनकी संख्या बहुत है दुनिया में, देवताओं की तो संख्या सिर्फ 33 करोड़ है। उनमें भी जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनने वाले हैं, भगवान भगवती जैसे बनने वाले हैं, उनकी संख्या तो सिर्फ 4.5 लाख है। वो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। फिर देवताओं से प्राप्ति करने वाले हैं, जिन्हें 33 करोड़ देवता कहा जाता है, उनमें भी 10 करोड़ ऐसे हैं जो अष्ट देवताओं के फॉलोअर्स हैं, और बाकी सब क्या है? द्वापर युग से परमधाम से नीचे उतरते हैं, भूत प्रेतों की दुनिया में, पाप आत्माओं की दुनिया में, पाप ही करते रहते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखा जाए तो तांत्रिक मांत्रिकों के पीछे पड़ने वाले ब्राह्मण अल्पज्ञ ब्राह्मण हैं, ये एडवांस ज्ञान वाले हैं। ज्यादा किधर हैं? है? अल्पज्ञ हैं। और संगठन में आते हैं तो घर में मतलब थोड़ा ऐसे बोलते हैं कि क्यों जा रही हो, कैसे कौन बोलते हैं? है? कौन बोलते हैं? हाँ? युगल बोलते हैं। हाँ, कहीं भी जाते हैं तो वो यही बोलते हैं। है? तो आप उन्हें समझाते नहीं है, आप उनको साथ लेके नहीं चलते हैं। समझाते हैं मगर समझते नहीं। जब आप पहली पहली बार आए थे तो उनको साथ लेके आए थे? मेरी 7 साल की उम्र नहीं हुई है। आपने तो एग्रीमेंट किया था पंडित जी को साथ लेकर के 100-200 बरातियों के साथ कि हम जिंदगी भर इनका साथ निभाएंगे। हैं? हाँ, निभाएंगे। फिर आपने अलग रास्ता क्यों पकड़ लिया बिना उनको साथ लिए? जब उनका मूड देखो तब उनको साथ लेके आ जाओ। और है? अभी उम्र नहीं है ज्ञान सुनने की। हाँ, वो यही बोलते हैं। वो ठीक है तो उनकी उम्र बना दो। बच्ची शादी कर देंगे, इसके बाद जब बुढ़े हो जाएंगे तो सुनेंगे। वो जरूरी थोड़े ही है कि शादी होने के बाद
बच्चे पैदा होने के बाद ही कोई बुढ़ा होता है। और अरे ब्रह्मा से, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हैं, वो भूत प्रेतों से वर्षा लेते हैं या भगवान से वर्षा ले रहे हैं? हैं? भूत प्रेतों से ही वर्षा लेंगे या तो भूतनाथ से वर्षा लेंगे, इससे ऊंचा वर्षा तो नहीं मिलेगा। अगर भगवान को पहचानेंगे तो भगवान तो साकार में निराकार बन करके आता है, उस रूप को उन्होंने पहचाना तो वो तो एक ही है, तीन तीन तो नहीं है, तीन देवताएं हैं, परंतु भगवान तीनों हैं या एक है? एक भगवान, गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। एक है भगवान, भगवान से जो वर्षा मिलेगा वो दूसरे से वर्षा नहीं मिल सकता। फिर दूसरी मूर्ति, तीनों मूर्तियों में सूक्ष्म बतन में नंबरवार बैठाई गई है या समान स्टेज में बैठाई गई है? क्यों उनको नंबरवार तबके में क्यों बैठाया गया? क्योंकि नंबरवार प्राप्ति कराने वाली है। भगवान से जो वर्षा मिलेगा वो वर्षा दूसरों को नहीं मिल सकता, वो वर्षा लेने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होगी, ऊंच प्राप्ति करने वालों की संख्या बहुत थोड़ी होगी कि ज्यादा होगी। ये धुआं कहां से आ रहा है? इधर से मैंने कहा, इधर से बंद करो, सबको तकलीफ क्यों देना? शेष प्राप्ति करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। कोई भी स्कूल में कॉलेज में चले जाओ, पास विदानर होने वाले सबसे कम होंगे, फर्स्ट क्लास पास होने वाले उससे ज्यादा है, सेकेंड क्लास कौन पास होने वाले उससे भी ज्यादा, और थर्ड क्लास ढेर के ढेर। ऐसे ही है, तीन मूर्तियां हैं नंबरवार तबके वाली, एक मूर्ति है भगवान के रूप में डायरेक्ट भगवान से वर्षा प्राप्त करके भगवान भगवती की स्टेज प्राप्त करती है, दूसरी मूर्ति है जो भगवान के कार्य में विशेष सहयोगी बनती है। इसलिए भगवान से प्राप्ति तो नहीं करती डायरेक्ट, लेकिन देवता बन जाती है बड़ी से बड़ा। उस देवता का नाम है विष्णु देवता, उससे बड़ा देवता कोई नहीं होता। उसके बाद जो द्वापर युग से प्राप्ति करने वाले हैं वो सब भूत प्रेत है। और इसलिए ब्रह्मा की पूजा भक्ति मार्ग में नहीं होती है, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनती हैं। कोई भी भक्तों से पूछो
इसका कारण क्या है कि तीन देवताओं में से दो देवताओं की तो बहुत मान्यता है, ब्रह्मा की मान्यता क्यों नहीं है? भारत में भूत प्रेतों को नहीं मानते, भारत में भगवान आता है, भगवान आकर के भूत प्रेतों को कंट्रोल करना सिखाता है, भूत प्रेतों की दुनिया खत्म कराए देता है, ब्रह्मा स्वयं भी खत्म हो जाता है और उसको फॉलो करने वाले भी खत्म होते जा रहे हैं। ब्रह्मा का हाथ फेल हुआ तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले जो भी दीदी दादी दादाएं हैं उन सब की अकाले मौत होती जा रही है। जैसे को भजेंगे वैसी गति प्राप्त होगी। और जोर से बोलो कैसे बचे? हाँ झूठ बोलने वालों से कैसे बचे? आत्मा उनसे चिपक जाओ। अरे बाबा ने रास्ता बता दिया, कोई को क्रोध आता है, क्रोधी है तो उससे कैसे बचें? देख लिया लाल पीली आंखें कर रहा है, उल्टा पलटा बोल रहा है, गाली दे रहा है तो क्या करना चाहिए? दूर भाग जाओ। पेड़ को पकड़ लिया, अब पूछ रहे हैं पेड़ से कैसे छूटे? और है 5000 वर्ष में दुर्गति नहीं होती है। संगम युग में सच्ची गीता नहीं निकलेगी। अरे संगम युग में सच्ची गीता मैदान में नहीं आएगी। अरे सच्ची गीता को कहते हैं अदिति और झूठी गीता को कहते हैं दिति। दिति माने खंडित। गीता खंडित हुई या नहीं हुई? गीता किसने खंडित की है? मुर्ज गुरु ने। भगवान आते हैं तो सच्ची गीता के द्वारा सत्य युग की स्थापना कराते हैं। अद्वैत युग की स्थापना हो जाती है तो क्या आपको निश्चय नहीं है, है कि सच्ची गीता भी निकलेगी? है निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ प्रभावित होती है। अगर प्रभावित नहीं होती है तो ये विधर्मी कहाँ से पैदा होते हैं? विपरीत धर्म में जाने वाले भारतवासी कैसे बन जाते हैं? धरणी के ऊपर सारा मदार जाता है। कहते हैं घर की धरित्री अच्छी तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की धरित्री अगर व्यभिचारिणी है तो घर नरक बन जाता है। ये गोरे चेहरे और काले चेहरे का फर्क है। कहते हैं काला मुंह कर लिया,
ये काली माई और गोरी माई का फर्क है। इसलिए मुरली में बोला कड़क कड़क बातें बोल देते हैं। क्या नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं और वो स्वर्ग का दरवाजा खोलने के निमित्त बनती हैं। और तुम्हें तुम्हें सच्चा मिलता है तो झूठे को क्यों पकड़ते हो? अरे जब सदगति देने वाला मिल जाए तो दुर्गति देने वाले को पकड़ना चाहिए, याद करना चाहिए, याद भी नहीं करना चाहिए। और अपने मुंह से करता है, आपके मुंह से करता है? अरे ग्लानी किसके मुंह से करता है? अपने मुंह से करता है। तो आप क्या करो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हियर नो एविल। ये बाबा ने पढ़ाई किसको पढ़ाई? हमको, दूसरों को? आपको नहीं पढ़ाई? नहीं पढ़ाई है? पढ़ाई तो क्यों पूछती हो? वो पढ़ाई पढ़ो, प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना पड़े। अब सारी जिंदगी बोलते रहो कैसे करें, बाप कहेंगे वही बात। अब वो बात एक बार बुलवा लो और बीसियों बार बुलवा लो, सैकड़ों बार बुलवा लो, 70 साल हो गए बोलते बोलते। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन आदत से मजबूर हैं, लचर पचर बातें खूब कान में पड़ने की आदि हैं और ज्ञान की बातें झट झुटका आने लगता है। और बाबा इन इस्लामियों को नंबर वन मिलेगी बताया। हाँ हाँ, इस्लामियों को नंबर वन मिलेगी बताया। हाँ, लेकिन मिलिट्री शासन अच्छा बताया या राजा का शासन अच्छा बताया? राजा का शासन अच्छा होता है, मिलिट्री शासन अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान में कौन सा शासन चलता रहा? मिलिट्री शासन। और हिंदुस्तान में है? नहीं, यहाँ मिलिट्री शासन नहीं चला है, राजाओं का भी शासन नहीं है, यहाँ है प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, वो भी रंग, और मिलिट्री शासन भी रंग है। हाँ, ये बोला कि अंत में मिलिट्री शासन हो जाएगा, मार्शल ला लग जाएगा, ब्राह्मणों की दुनिया में भी मार्शल ला लगेगा। जिस्मानी मिलिट्री में जैसे मार्शल ला लगता है, ऐसे रूहानी ब्राह्मणों की मिलिट्री में भी मार्शल ला लगेगा। ब्राह्मणों की दुनिया का मार्शल कौन है? शंकर। वो किसी की नहीं सुनेगा, फिर फौरन था। हाँ बाबा, मुरली ने बोला है कि पूरी पढ़ाई बच्चे के लिए चल रही है। है? ये पूरी पढ़ाई तक बच्चे के लिए चल रही है। हाँ जी, तो बच्चा स्वयं संभव बन जाएगा, ठीक है? उसके बाद बोला है कि जब तक जीना है तब तक पीना है। किसके कौन जिएगा?
पुरानी दुनिया में कृष्ण बच्चा जिएगा? पुरानी दुनिया में 2018 के बाद कृष्ण बच्चा जिएगा? वो तो जीते जी मर गया, उसका सूक्ष्म शरीर भी कैलाश हो जाएगा, वो अधूरा चंद्रमा नहीं रह जाएगा, संपूर्ण चंद्रमा बन जाएगा। अधूरा है तब तक मस्तक पर विराजमान है, जब संपूर्ण बच्चा बन जावेगा तो बाप का सारा भार बच्चे के ऊपर आ जावेगा। बाप वानप्रस्थी हो जाते हैं और सारी ताकत किसके हाथ में दे देते हैं? बच्चे के हाथ में दे देते हैं। और बाबा एक माता पूछ रही कि उनका घर की करे आए और थोड़े बहुत दिन गया हमने कभी मुंडी सुनी है, उसके बाद ना मुंडी सुन रहा है ना कोई नियम चल रहा है, और कभी हम घर में खाना बनाते तो छू देते हैं हमारा खाना। छूने से क्या हो जाता है? आप छू दिया करो, ब्राह्मण का भोजन हो जाएगा। खाना पीना अपना नियम पूरा बर्बाद कर दिया। आपका नियम बर्बाद तो नहीं कर दिया? उन्होंने अपना कर लिया ना, आपका तो नहीं कर दिया। बुद्धि तो नहीं जाती, आपकी बुद्धि नहीं जाती ना, जाती तो है, तभी तो भरी सभा में बोल रहे हैं। अगर आप निश्चिंत तो होते तो भरी सभा में आपको बोलने की क्या दरकार? अरे कोई भोजन बनाता है और कोई छू देता है, उसके छूने से खराब हो गया, आप दोनों हाथों से छू दो, डबल अच्छा हो जाएगा। और कुमार का दादी की बुद्धि का लाभ पहले खोलना है। कुमार का दादी जो आधार मुहूर्त में माया बेटी का पार्ट बजाने वाली है, वो सारी दुनिया के मनुष्यों को लाख लगाने वाली है, गॉड रेज का लाख लगाए देती है। क्या सारी दुनिया के 500 करोड़ मनुष्य भगवान बाप को नंबरवार पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे, एक तरफ पहचानेंगे जब सतो प्रधान बनेंगे, ज्ञान सुनेंगे सात्विक स्टेज में, फिर बाद में ज्ञान में आने के बाद ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद ज्ञान भी चार अवस्थाओं से पसार होता है या नहीं है? होता है। तो माया गॉडरेज का ताला लगाती है, गॉड की जो ज्ञान की रेजेस पड़ती हैं उन रेजेस का ही ताला लगा देती है। बोलो, चाहे बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, दोनों प्रकार के ज्ञान में आने के बाद कोई भी आत्मा सतोप्रधान से तमोप्रधानता की ओर जाती है या नहीं जाती है? जाती है। तो गॉडरेज का ताला लगा ना, 500 करोड़वीं आत्मा जब ज्ञान में आवेगी तो उसकी बुद्धि को भी ताला लगाने के निमित्त कौन बनेगी? माया। तो माया की तुमको अभी से चिंता हो रही है, जो कि सारी दुनिया को ताला लगाने वाली है बुद्धि को। पर चिंतन पतन की जड़, अपना काम करो। अगर फॉलो ही करना है तो
तो माया की दृढ़ता को फॉलो करो। माया बाप की ऐसी बेटी है जो बाप के डायरेक्शन पर अटल रहती है। माया बेटी को डायरेक्शन है क्या? जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको हे माया बेटी तुम खूब फटकाओ, तो वो अच्छा काम करती है या खराब काम करती है? तो अच्छा काम कर रही है, उसकी चिंता नहीं है इतनी। हाँ बच्चे क्यों नहीं दृढ़ हो पाते जो माया दृढ़? इसका मतलब यह है कि बाप को पहचानने में और पहचान करके प्रैक्टिकल एक्ट में सरेंडर होने में माया आगे है या बच्चे आगे हैं? माया विदेशी है या स्वदेशी है? है विदेशी है। और विदेशी में खास शिस्त क्या होती है? नहीं, फॉरेनर माने फॉरन, एक सेकंड में बाप को पहचाना और उसी सेकंड बाप की बन गई, तुरंत दान, महाकल्याण हो जाता है। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान है। दुनिया की बात छोड़ो, आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ? आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? फिर आप मुए मर गई दुनिया, आपने पक्का कर लिया कि कृष्ण वाली आत्मा 2018 में पतित स्टेज में नहीं रहेगी, क्या बन जाएगी? पावन बन जाएगी। पावन स्टेज में पार्ट बजावेगी, भूत प्रेतानी पार्ट नहीं बजावेगी। वो पहला नंबर है या बाद वाला पत्ता है? पहला पत्ता है। तो और पत्ते भी बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। वो बाद में बनेंगे या पहले ही बन जाएंगे या साथ साथ बनेंगे? बाद में बनेंगे। हाँ बाबा अरे शिव बाबा धोबी है, पहले माता जी से पूछे शिव बाबा धोबी है या नहीं, पूछो तो। अरे माता जी से पूछो तो क्या कह रही है? शिव बाबा धोबी है? शिव बाबा धोबी है। और शिव बाबा जो धोबी है उसका नाम है शिव बाबा, तो साकार निराकार का मेल है या सिर्फ निराकार धोबी है? माता जी से पूछो, साकार निराकार का मेल धोबी है कि नहीं? है ना? अरे वो धोबी है ना, उस धोबी की कोई धुवेनिया भी है सबसे जास्ती सहयोगी उसके काम में? वो धुविनिया कौन है? अरे अरे अ
हमारे ये शरीर रूपी वस्त्र जब साफ करते हैं तो मुरली में बोला है खूब लक्ष्य सोप के सो। वो लक्ष्य सोप कौन है बेहद की भाषा में? नारायण। तो कोई धुवेनिया भी है कि नहीं है? अरे नहीं है, है? कौन है? अरे धोबी है तो धोबी अकेला निवृत्ति मार्ग वाला है या प्रवृत्ति मार्ग वाला है? प्रवृत्ति मार्ग वाला धुबिनिया कौन है? है? अरे चुपचाप हो गए, क्या बात है? अरे लक्ष्मी महालक्ष्मी ये क्या काम करती हैं? सबसे जास्ती भगवान के काम में सहयोगी हैं या नहीं है? हैं? वो दुबिनिया हो गई। फिर कपड़े किसके ऊपर लादे जाते हैं? यज्ञ के आदि में 10 वर्ष के अंदर धोबी भी चला गया और धुबिनिया भी चली गई। गए कि नहीं? धोबी घाट का काम शुरू हो गया था या नहीं? हो गया था। कपड़े किसके ऊपर लाद दिए? ले जाओ घाट पे। कौन सा गधा था जिसने गधे धो गधे के ऊपर कपड़े लाद दिए तो वो ढोए चला जाता है? घाट पे लाके कपड़े डाल दिए, वहां से ज्ञान जल से वो कपड़े धोए, धोना शुरू हुए। उसको कहते हैं एडवांस ज्ञान बढ़ा। धोबी के घर में जब तक कपड़े रहे तो एडवांस नहीं कहेंगे। गधे ने ढुलाई करके कहां तक पहुंचा दिए? घाट तक पहुंचा दिए। उस घाट पर धोबी पहुंच जाता है, धोबिन भी पहुंच जाती है। धोबिन रोटी लेके जाती है, कलेऊ लेके जाती है और धोबी छी ओ राम। तो गधे का काम पूरा हो गया कि नहीं? अरे माताजी से पूछो, पूछो, समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे चलो। और जानवरों में कोई जानवर बहुत श्रुट बुद्धि होते हैं। जो श्रुट बुद्धि होते हैं उनको हाथी रूपी महारथी कहा जाता है। हाथी समझदार जानवर होता है ना? अरे ज्ञान की भाषा में कोई ऐसा देवता है जो हाथी के रूप में ज्ञानी दिखाया है? कौन है? गणेश। वो तो समझदार हो गया, सगीर बुद्धि हो गया। हाथी के मुकाबले जो सबसे नीच बुद्धि मानी जाती है, जिसकी बच्चा बुद्धि कहो, गधा बुद्धि कहो, बाप जब नाराज होते हैं तो बच्चे से क्या कहते हैं? ए गधे, समझता ही नहीं। तो बच्चा बुद्धि है ना, तो वो बच्चा हो गया गधा। कितने साल समझाना पड़ता है? अरे अरे ये ज्ञान उस बच्चे को कितने साल समझाना पड़ता है? भूल गए हैं?
50 साल तो तब जब सूक्ष्म शरीर पकड़ता है, उसमें 33 साल साकार के ऐड करो, कितने साल हुए? 83 साल। इतना बेसमझ बच्चा है, लेकिन गधे का बच्चा भी छोटा सा होता है ना, कितना अच्छा लगता है, इनोसेंट होता है गधा, यह चिकड़मी बुद्धि होता है, इनोसेंट होता है बेचारा, सारा दिन वजन ढोता है और रात में उस खूंटे पर बांध दिया जाता है जहां गाय भैंस की बची हुई घास उसको डाल दी जाती है और वो खा के चुपचाप सो जाता है। लड़ाई लड़ता है क्या? है नहीं लड़ाई लड़ता? तो इनोसेंट बुद्धि कहें या तिकड़मी बुद्धि है? है इनोसेंट है। तो बाबा को ऐसे भोले बच्चे बहुत प्यारे हैं, भोलानाथ कहा जाता है। और रंग कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं, 7 रंग इंद्रधनुष में दिखाए जाते हैं। इंद्र कहा जाता है राजा को, राजा अपने सहयोगियों के द्वारा राज्य के सभी डिपार्टमेंट विभागों को संभालता है, तो उसके 7 सहयोगी हैं जो नारायण कही जाने वाली आधार मूर्त आत्माओं के भी बीज हैं, वो 7 बीज हैं, 7 रंग कहे जाते हैं, किसके अधीन है वो 7 देवताएं? किसके अधीन है? है जिसके अधीन है उसका नाम क्या दिया? इंद्र अर्थात राजा। वो राज्याधिकारी हैं 7। श्वेत नहीं है, कुछ न कुछ रंगीले हैं, माने नंबरवार उनकी बुद्धि रंगी हुई है। वो पुरुषार्थ रूपी धनुष दिखाया जाता है, जो ज्ञान बरसात संगम युग में होती है तब लास्ट में वो धनुष दिखाई देता है। अभी ज्ञान बरसात पूरी होने वाली है, वो 7 रंगों वाला पुरुषार्थ का धनुष, वो पुरुषार्थी आत्माएं संगठित रूप में सारे संसार को दिखाई देंगी, उसको कहा जाता है इंद्रधनुष। और नए पुराणों से पीछे चले जाते हैं, यदि पूरा योग लग जाए तो बहुत ऊंचा चला जाएगा। बिल्कुल पूरा योग दुनिया की नजरों में नए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि अभी अभी आए हैं देखने में, लेकिन पूर्व जन्म में थे या नहीं तो बाप जानते हैं, ये नए नहीं है,
ये तो बहुत ओल्ड हैं, सो गोल्ड हैं। और वो ही जो आदमी थे वो अभी अंत में तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। आज में भी तीखे थे और अंत में भी तीखे हो जाते हैं। उनको कहा जाता है लास्ट टू फास्ट। ऐसे नहीं कि लास्ट में 33 करोड़ आ जावेंगे तो 33 करोड़ फास्ट चले जावेंगे, ऐसे होगा है? नहीं होगा। ओम शांति।